कि किस तरीके से विंटर के अंदर आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी इसका यूसेज मैंने बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हैवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज़ कि किस तरीके से आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह कपड़े वॉश कर सकते हैं। और ये मैं एक जस्ट डेमो दूंगी। एक छोटी सी मैंने एक चादर ली है, बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट ली है मैंने, जस्ट वो मैं आपको वॉश करके बताऊँगी। उस तरीके से आप अपने कम्प्लीटली जो है कपड़े आप इजीली जो है वो वॉश कर सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक छोटी सी लाइन कहूँगी, मेरे पास इस वक्त केनवुड की जो है वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। हायर की सॉरी मैं अरेंज नहीं कर सकी, तो हायर की भी कुछ इतना ख़ास जो है मैं आपको उसका ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनका इसी तरीके से जो है वॉश टाइमर होता है, सेलेक्टर होता है और ड्रेनेज और स्पिनर का इसी तरीके से उनकी होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करना बहुत आसान है। किनवुड की हो, डॉलिन्स की हो, हायर की हो, किसी भी कंपनी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज़ एक ही तरीके से होता है। तो मेरे पास किनवुड की है और मैं आज इसमें वॉश करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास है किनवुड की KWM1012SE, इसका मॉडल नंबर है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 वाटर इनलेट इसमें गिवन है। 1 जो है क्या कहते हैं वॉशर के लिए दिया गया है और 1 जो है वो उन्होंने स्पिन के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वॉश टाइमर इन्होंने गिवन है 0 to 15 मिनट का, इसमें वॉश टाइमर गिवन है। फिर वॉश सेलेक्टर के आप नॉर्मल वॉश करना चाहते हैं या जेंटल यानी कि बहुत ही डेलिकेट से कपड़े हैं वो वॉश होने के लिए हैं। और फिर ये वॉशर है यानी कि वॉश होने के लिए, उसके बाद अगर आपने पानी ड्रेन ऑफ करना है तो ड्रेन के लिए दिया गया है। इसके अलावा ये जो है ये 5 मिनट तक का स्पिनर के लिए दिया गया है कि जब आप स्पिनर यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर हम जो है सबसे पहले पानी जो है भरेंगे। बस पानी भर चुका है और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अब मैं इसमें डिटर्जेंट डालूंगी और डिटर्जेंट डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर अपनी बेडशीट डालूंगी। डिटर्जेंट जो है वो आप अपने अंदाजे से यूज़ कीजिएगा कि किस तरीके से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी कपड़ा डालना है तो इसमें खोल कर डालना है। वॉशिंग मशीन अब हमने कर दी है स्टार्ट, आप ये देख सकते हैं। तो जब तक ये टाइमर पूरा होता है मिलते हैं इसके पूरे टाइमर के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको वॉश कर चुके हैं। वॉश करने के बाद हमने ड्रेन किया है इसके पानी को और ड्रेन करने के बाद अब हम इसको रिंस करने के लिए है इसी के अंदर हम पानी डाल रहे हैं। हमें स्पिन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये अच्छे से रिंस हो तो उसके लिए आप इसको एक दफ़ा स्पिनर के अंदर डालकर भी इसका डिटर्जेंट जितना भी है वो सारा आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन चूँकि सर्दियां आ गई हैं आने वाले मौसम में तो ठंडा होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कपड़ों वॉश करने के बाद इसी के अंदर आप पानी डालकर इसको अच्छे से रिंस कर सकते हैं। अब इट्स अप टू यू, आप 1 टाइम रिंस करना चाहते हैं, 2 टाइम रिंस करना चाहते हैं या 3 टाइम, इट्स अप टू यू। जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन होती है उस सेटिस्फेक्शन के लेवल तक जाकर जो है आप इजीली इसके अंदर पानी डालकर रिंस कर सकते हैं। हमने चूँकि आपको डेमो दिखाना है, डेमो दिखाने के लिए हम ये सिर्फ एक ही दफ़ा इसको रिंस करेंगे, तो इसलिए एक ही दफ़ा रिंस करने के लिए हम इसमें बहुत अच्छे से पानी डालेंगे ताकि जो इसके अंदर डिटर्जेंट है वो सारा निकल जाए। तो व्यूअर्स, ये हमने पानी भर लिया है अपनी वॉशिंग मशीन में। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको रिंस करने के लिए जो वॉश टाइमर है इसको ही आप अगेन जो है वो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। वॉशिंग मशीन क्या करेगी, अब इसको वॉश करने के बजाय वॉशिंग मशीन इसके डिटर्जेंट को निकालेगी, रिंस करेगी कपड़ों को। तो आप नॉर्मली भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, कि कपड़े निकाले बगैर जो है आपने इसके अंदर डाले हैं और आप उसको ईज़िली रिंस कर सकते हैं। इट्स अप टू यू के 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स जिसमें आप सेटिस्फेक्शन आपकी होती है उस आप इस वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिड को बंद ही रखिए ताकि कोई छींटे आप तक ना आए। हमारी जो है वो रिंस हो चुके हैं। आपको रिंस करने के लिए इसको 15 मिनट तक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको 3 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छे से कपड़े रिंस हो जाते हैं। नहीं तो आप इसको 3 to 5 मिनट्स भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम करने लगे हैं ड्रेन। आप देख सकते हैं ये फ़र्स्ट टाइम रिंस है, तो इसमें जो है डिटर्जेंट बहुत अच्छे से रिंस हो चुका है और कम है झाग इसमें। लेकिन अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इसको 2nd टाइम रिंस कर सकते हैं। मैं इसे 1 टाइम ही रिंस कर रही हूँ। चलें व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा रिंस हो चुका है। अब रिंस करने के बाद आपने क्या करना है, अब चूँकि इस वॉशर के अंदर 2 फंक्शंस हो सकते हैं, एक वॉश हुआ है और 2nd हमने रिंस किया है। रिंस अप टू यू 2-3 टाइम्स आप इसे रिंस कर सकते हैं। हाँ, अब हम इसी वॉशिंग मशीन का, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का हम स्पिनर यूज़ करने लगे हैं। अब आप जो है यहाँ से इसको उठाएँ और यहाँ स्पिनर में खोल कर डालें। ये याद रखें, जब आप कोई कपड़ा खोल कर डालेंगे तो स्पिनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली स्पिन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से खोल कर इसको डालें और इसको स्पिन कर दें। और स्पिनर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, सेम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह के उसी तरीके से जो है आपके सारे कपड़े ड्राई होंगे बिल्कुल। अगर आप 5 मिनट के उससे स्पिन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको 2 टाइम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 7 to 10 मिनट्स भी आप इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और ईज़िली जो है स्पिन हो जाते हैं, ड्राई बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमने रिंस से जो है वो इसके अंदर डाली थी बेडशीट और किस तरीके से वो ड्राई होकर निकली है, ये आपके सामने रिज़ल्ट दिखाया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा कि आई थिंक सो बहुत इजी हो गया है अब किसी भी हाउसवाइफ के लिए कि वो किस तरीके से सर्दियों में आने वाले टाइम में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ कर सकती है और इस तरीके से अपने आप को ठंड से बचाया जा सकता है। ये देखिए व्यूअर्स, स्पिन का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पिन हुई है, बहुत अच्छी जो है वो ड्राई हुई है। जस्ट हम हैंग आउट करेंगे और हाफ एन आवर में जो है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो भी बस देखिए आपने आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी कि किस तरीके से विंटर के अंदर आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी इसका यूसेज मैंने बताया है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपकी रहनुमाई के लिए कंप्लीट मैंने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह विंटर में यूज़ कर सकते हैं। आप वॉश और रिंस ईजिली आप वॉशर के अंदर कर सकते हैं और उसके बाद आप एंड में स्पिन करें और इन्जॉय करें अपने विंटर को। और जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल दिल छोटा ना करें कि हमारे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती तो हम ठंड से बच जाते या हमें इस तरह की नहीं करनी पड़ती। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।